रीवा में गौ हत्या से आक्रोश देखा गया, गुस्सा है लोगों ने चक्का जाम कर दिया। यहां पर गाय का कटा सिर भी मिला, जिससे गुस्से में लोग देखे सड़क पर हिंदू संगठन उतर गया। अस्पताल चौराहे पर धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोग, मुख्य सड़क जाम हो चुकी है। तो ये पूरा मामला जो है रीवा का है, गौ हत्या से ये मामला जुड़ा हुआ है और इसी से कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखा गया। गुस्सा है लोगों ने चक्का जाम किया, गाय का कटा हुआ सर मिला था और उसके बाद से ही हंगामा लगातार हम देख रहे थे। अब जो है हिंदू संगठन सड़क पर उतर चुका है, अस्पताल चौराहे पर ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए ये नजर आए। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी रहा, इन्हें समझाता रहा पर यहाँ पर ये बैठे रहे चक्का जाम करके, कई देर तक चक्का जाम रहा। छतरपुर का जिक्र करेंगे, पेट से निकाली 1.5 फीट की लौकी। जी हां, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन करके जान बचाई है। जिला अस्पताल में अजीबोगरीब ये मामला सामने आया, लौकी निकलने के बाद मरीज की हालत अब स्थिर है। खजुराहो इलाके का ये मरीज रहने वाला है। नीमच का जिक्र करेंगे, शहर में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला जांच के लिए भेज दिया। जांच, इसमें जांच की बात कही, मुस्लिम समाज ने शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला जिसमें ताजिए निकाले गए। पुस्तक बाजार क्षेत्र में जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने की बात कही जा रही है। हालांकि इस संबंध में मुस्लिम समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। इंदौर का जिक्र करेंगे, धमकी मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। विहिप नेता संतोष शर्मा को धमकी दी थी, संतोष शर्मा के करीबी हैं दोनों आरोपी। मामले में संतोष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। तुकोगंज पुलिस आरोपियों से पूछताछ अभी कर रही है। धमकी मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल विहिप नेता संतोष शर्मा को धमकी दी थी, संतोष शर्मा के करीबी दोनों ये आरोपी भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में जो है संतोष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है और तुकोगंज पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। कई तरह की आशंकाएं भी हैं जो अभी पुलिस जता रही है और साथ ही साथ जो है अभी संतोष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जांच का विषय है, जांच पड़ताल जारी है। धमकी मामले में 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो पूछताछ भी कड़ाई से होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है। पर यह भी आपको बताएं कि जो संतोष शर्मा है उनकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। तुकोगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ सामने आता है पूछताछ में। इंदौर का ये पूरा मामला है, दरअसल ये धमकी का ये पूरा मामला था, धमकी दी गई थी और इस मामले में जांच पड़ताल चल रही थी। 2 की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। विहिप नेता संतोष शर्मा को धमकी मिली थी और शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अब जब 2 गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनसे पूछताछ भी जारी है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि संतोष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या था मामला बताइए। देखिए, संतोष शर्मा जो है वो विश्व हिंदू की परिषद के पदाधिकारी हैं और घर वापसी जो लगातार इंदौर में देखने को मिल रही है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ दिन पहले उन्होंने तुकोगंज थाने में एक FIR दर्ज कराई थी कि उन्हें बुरका पहन के एक महिला आई थी उनको सोसाइटी में, उन्हें धमकी देके गई थी और वो धमकी भरा पत्र में लिखा हुआ था कि तुझे अल्लाह के पास पहुंचा देंगे, हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा था। इस पूरे मामले की तुकोगंज पुलिस जांच कर रही थी और इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो 2 अभी संदिग्ध लोगों को माना जा रहा था उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ही ये धमकी भरा पत्र दिया था और जिन 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया, दोनों ही लोग, इसमें एक महिला है और एक जो दूसरे उनके पुरुष है,
ये उनके ये दोनों उनके सबसे बेहद करीबी लोगों में से एक है संतोष शर्मा जो भी हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं। अब इसके जब बेहद करीब जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब संतोष शर्मा की भूमिका को भी लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हालांकि पुलिस अब पूरी जांच की बात कर रही है लेकिन दो बुर्का पहनी हुई महिला की जब तलाश की जा रही थी उसमें पूरे मामले में दो लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था जो भी हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं संतोष शर्मा उनके ही करीबी निकले। ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सागर आईजी अनुराग वर्मा सहित डीआईजी ललित शाकेवार और एसपी अगम जैन बागेश्वर धाम पहुंचे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने का प्रशासन ने अनुमान लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने आयोजन स्थल और विशाल पंडाल का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से भारी संख्या में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए बाबा के भक्त बागेश्वर धाम पहुंचे। श्री विक्रम सिंह परियार जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो है प्रति शिफ्ट में दो शिफ्टों में व्यवस्था लगाई गई है। प्रति शिफ्ट के उप पुलिस अधीक्षक इंचार्ज हैं, 10 थाना प्रभारी, 15 उप निरीक्षक सहित 300 कुल पदाधिकारियों का बल यहाँ लगाया हुआ है। मंदिर व्यवस्था में, जिगजग व्यवस्था में, पार्किंग में, पंडाल में, आगे पीछे दाएं बाएं मंच की सुरक्षा व्यवस्था में ये बल सागर से, छतरपुर से, टीकमगढ़ से, पन्ना, चार जिलों से बल आया हुआ है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।